वायरस की वजह से करीब एक साल से WWE में ऑडियंस के बिना खाली एरिना में ही शोज फैंस ने देखे। लास्ट वीक WWE ने एक धांसू अपडेट दी जब उन्होंने बताया कि 16 जुलाई 2021 से WWE के शोज में लाइव ऑडियंस की वापसी होने वाली है। अब एक साल बाद जब फैंस की वापसी होगी तो WWE के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड होगा कि वो फैंस को कुछ नया और शानदार दें, इसलिए कुछ सुपरस्टार की वापसी काफ़ी ज़्यादा टीज हो रही है जो लाइव ऑडियंस के सामने WWE करा सकती है। वही जानेंगे इस वीडियो में जो कि काफी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि 16 जुलाई 2021 को जब लाइव ऑडियंस की वापसी होगी जिसके बाद मनी इन द बैंक PPV दिखना तय है, इसलिए WWE कुछ बड़े रिटर्न्स के साथ फैंस की वापसी को यादगार बनाना चाहेगी जो कि काफ़ी टाइम से WWE में नहीं देखे हैं। ऐसे ही 5 सुपरस्टार के रिटर्न के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 5, बैकी लिंच। बैकी लिंच उन बड़े सुपरस्टार में से हैं जो वापसी करते हुए दिखाई दे सकती हैं। जैसा कि बैकी लिंच लास्ट ईयर मनी इन द बैंक PPV के बाद आखिरी बार WWE में दिखाई थी जहां उन्होंने आस्का को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के बदले अपना रॉ वुमेन्स टाइटल हैंडओवर कर दिया था। इतने लंबे टाइम तक बैकी लिंच का WWE से दूर रहने का रीजन ये था कि वो प्रेग्नेंट थी और अब उनके बेटी हो चुकी है और वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग भी कर रही हैं ताकि वो वापसी करके टाइटल के लिए दावा ठोक सकें, क्योंकि वो कभी उसे हारी ही नहीं थी। फैंस काफी टाइम से इनकी वापसी का वेट कर रहे हैं जो कि शायद एरिना में क्राउड के आने पर देखने को मिल सकती है और वो आके हील वुमेन्स को करती हुई दिखाई दे सकती हैं। नंबर 4, ब्रे वाइट द फिंड। लास्ट हमें रसलमेनिया 37 में रैंडी ऑर्टन के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे। अब TLC 2020 के बाद फिंड रसलमेनिया 37 से पहले इस वजह से ही देखने को मिले थे ताकि वो रैंडी ऑर्टन के साथ मैच में दिख सकें। हालांकि उसके बाद वो रॉके एपिसोड में फायरफ्लाई फनाउस सेगमेंट के दौरान दिखाई दिए थे, उसके बाद वो फिर से WWE में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब WWE फिंड के साथ कर क्या रही है वो फैंस को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फिन TLC में रैंडी ऑर्टन के खिलाफ हारते हुए दिखाई दिए थे और फिर रेसलमेनिया 37 जैसी बड़ी स्टेज पर भी फिर से रैंडी ऑर्टन से वो हारते हुए दिखाई दे चुके हैं। अब हो सकता है कि WWE लाइव ऑडियंस के सामने कुछ नया ब्रे वाइट को लेकर दिखाए। मेरा मानना है कि WWE रियल ब्रे वाइट को WWE में दिखाए तो ज्यादा बेहतर होगा, जो प्रोमोस के दौरान माइक पर बहुत जबरदस्त दिखाई देते थे। अब अगर WWE के पास फिन को लेकर कुछ बड़े प्लान्स हैं तो क्राउड के सामने रिटर्न से अच्छा मौका यहां क्या हो सकता है तो मे भी ऐसा होता दिखाई दे जाए। रिसेंट में बैकलैश PPV के बाद ब्रे वाइट ने एक ट्वीट भी करा था जिसमें उन्होंने मिस मी येट लिखा था और #zombies भी लिखा था। नंबर 3, रेटेड आर सुपरस्टार एज। रेसलमेनिया 37 में डेनियल ब्रायन और रोमन रेंस के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच खेलने के बाद से वो नहीं दिखाई दिए हैं। वैसे भी एज पार्ट टाइम सुपरस्टार हैं और वो कुछ खास मौके पर और टाइम पर ही पूरे साल में नजर आने वाले सुपरस्टार में से हैं। सभी फैंस को लगता था कि वो रेसलमेनिया में फिर से चैंपियन बनेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अब उनकी वापसी 16 जुलाई 2021 को होने वाली है जिसको WWE ने एडवर्टाइज भी कर दिया है। वहीं सवाल ये है कि क्या वो वापसी के बाद फिर से रोमन रेंस के साथ फ्यूड में कंटिन्यू होंगे, तो इसके चांसेस थोड़े मुश्किल लगते हैं। हो सकता है कि वो सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड में दिखाई दें और उनको आके टारगेट करें 16 जुलाई के एपिसोड में, जो कि साल 2014 में दिखी फ्यूड की एक बार फिर से शुरुआत होगी। तो तैयार हो जाइए रेटेड आर सुपरस्टार की वापसी देखने को। नंबर 2, जॉन सीना। 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना लास्ट हमें रेसलमेनिया 36 की सेकंड नाइट के दौरान दिखाई दिए थे, जिसके बाद डॉक्टर थगनॉमिक्स अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए। जैसा कि लाइव ऑडियंस की वापसी होने वाली है तो WWE हो सकता है कि इस दिन के लिए WWE में कुछ बड़े नामों को फैंस के सामने लेके आए ताकि फैंस के टिकट के पैसे पूरे वसूल हो चुके हैं। सीना उन नामों में से हैं जो WWE की एक बड़ी पेशकश हो सकती है, वो भी अंडरटेकर जैसे बड़े सुपरस्टार की एब्सेंस में। जुलाई में अगर जॉन सीना की वापसी होती है तो हो सकता है कि WWE उनको किसी शॉर्ट फ्यूड में दिखा दें और उन्हें समर स्लेम में भी मैच लड़वाती हुई दिखाई दे सकते हैं। अब देखते हैं जॉन सीना दिखते भी हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
नंबर वन ब्रॉक लेसनर, बीस्ट लास्ट ईयर रेसलमेनिया 36 में अपना WWE चैंपियनशिप टाइटल हारने के बाद से WWE में आज तक की डेट में नहीं दिखाई दिए हैं। ब्रॉक लेसनर को रिंग से दूर हुए लगभग एक साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। इस लंबे टाइम में उनको लेके कुछ खास अपडेट्स और न्यूज भी हमें नहीं सुनने को मिली, बस उनकी वापसी के अक्सर रूमर्स आते रहे। अब ब्रॉक लेसनर WWE के बहुत ही जबरदस्त सुपरस्टार हैं और ये हम काफी बार रूमर्स के तौर पर सुन चुके हैं कि ब्रॉक लेसनर की वापसी एरिना में क्राउड के बाद ही देखने को मिलेगी, तो फैंस के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वैसे भी अगस्त में समर स्लैम होना है और करंट में बॉबी लैशले WWE चैंपियन है, तो कितना मजा आए अगर ब्रॉक लेसनर की वापसी हो और फैंस का ये ड्रीम मैच अब की बार देखने को मिल जाए। कैसा लगे अगर क्राउड के सामने ब्रॉक लेसनर की वापसी हो और वो आके बॉबी लैशले को कन्फ्रंट करें, भाई साहब भूचाल आ जाएगा और सभी फैंस के गूज बम्प आ जाएंगे। तो ये कुछ बड़े नाम है जो लाइव ऑडियंस की वापसी को यादगार बनाने के लिए WWE फैंस के सामने इन सुपरस्टार की वापसी करा सकती है। अगर ऐसा होता है तो वाकई एक साल के बाद फैंस का एरिना में लौटना यादगार बन जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि किन किन सुपरस्टार की वापसी इनमें से होती दिखाई दे सकती है और आप सबसे ज्यादा किसकी वापसी देख करके एक्साइटेड होंगे, कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। यहां तक वीडियो देखने वालों को दिल से थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।